जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री शतरुद्र संहिता सातवां अध्याय। नंदी को वर प्राप्ति और विवाह वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, मैंने वन में जाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। मैं स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे शिलात पुत्र नंदी, मैं तुम्हारे इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। देवादिदेव भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से मुझे ऊपर उठाया और बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गण नायक बनकर रहोगे। मेरा प्रेम तुम पर सदा बना रहेगा और तुम मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम्हारे घर पधारे वे दोनों मुनि मैंने ही भेजे थे, अतः अब तुम अपने शोक और चिंताओं को त्याग दो। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले में से उतार कर मेरे गले में डाल दी। माला मेरे गले में पड़ते ही मेरे 3 नेत्र और 10 भुजाएं हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव मुझसे बोले कि तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव शिव जी ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल मुझ पर छिड़क कर कहा कि नंदी, हो जाओ। तब उन परमेश्वर शिव की जटा से जटोरक, त्रिस्तोता, वृषभ ध्वनि, स्पणिदका और जम्बू नदियाँ बह निकली। ये 5ों नदियाँ पंचम नाम से जपतेश्वर नामक स्थान के पास बह रही हैं। जो मनुष्य इन 5 नद नामक नदियों पर जाकर प्रसन्न मन से भगवान शिव की उपासना करता है, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसकी सभी कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। शिव जी के वचन सुनकर देवी पार्वती बोली, प्रभु, मैं नंदी को अपना पुत्र मानती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने नंदी का अभिषेक किया। तत्पश्चात नंदी का विवाह मरुतों की सुंदर दिव्य कन्या सुयशा से संपन्न हुआ। नंदी ने सप्तनिक परमेश्वर शिव को नमस्कार किया। महादेव जी ने नंदी को ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय और महाबली होने का आशीर्वाद प्रदान किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से मुझे अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। महामुने, नंदीश्वर के अवतार का वर्णन शिव भक्ति बढ़ाने वाला और आनंददायक है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री शतरुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।